देश में बढ़ती महंगाई के खिलाफ आवाज उठाते हुए वाराणसी में गुरुवार को सुभाषपा पार्टी विरोध प्रदर्शन कर रही है। ओम प्रकाश राजभर के नेतृत्व में हो रहे इस विरोध प्रदर्शन में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की जा रही है। प्रदर्शन के दौरान मीडिया से हुई बातचीत में सुभाषपा पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि भाजपा अपने ही महंगाई कम करने के किए गए वादे को भूल गई है। पेट्रोल डीजल और बाकी चीजों के बढ़े हुए दामों को गिनाते हुए उन्होंने कहा कि सरकार अपने ही वादों से मुकर गई है। सुभाषपा नेता ने आगे कहा कि हम यह प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी को उसका वादा याद दिलाने के लिए कर रहे हैं। अगर सरकार अपने किए गए वादे को पूरा नहीं करती है तो 2022 में भाजपा चली जाएगी। साथ ही ओम प्रकाश राजभर ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी प्रयोगशाला नागपुर में है, जहां से भाजपा को झूठ बोलने और जुमला बोलने की ट्रेनिंग दी जाती है। इसी बीच ओम प्रकाश राजभर ने भागीदारी संकल्प मोर्चा की सरकार बनाने का दावा करते हुए कहा कि 27 अक्टूबर को पार्टी के स्थापना दिवस के दिन बीजेपी की सरकार को खत्म करके उत्तर प्रदेश में भागीदारी संकल्प मोर्चा की सरकार बनाएंगे। देखिए, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा देश की जनता से, प्रदेश की जनता से वादा किया था, वो अपने वादे पर मुकर गए हैं। इन्होंने कहा था कि सरकार बनेगी तो महंगाई कम करेंगे। आज प्रदेश में, देश में महंगाई का आलम यह है कि जो गैस सिलेंडर 400 रुपया में मिलता था, आज वो 900 रुपया हो गया। जो पेट्रोल 60 रुपए में मिलता था, आज वो 100 रुपया पार कर गया। जो डीजल 55 रुपया लीटर था, आज वो 91 रुपया लीटर हो गया। आज जो सरसों का तेल 60 रुपया लीटर मिलता था, आज वो चला गया 200 रुपया लीटर। अरहर की दाल जो 50 रुपया था, आज वो बढ़ के चला गया जो है 150 रुपया। जो 3 रुपए का रेलवे का प्लेटफार्म टिकट मिलता था, आज वो 30 रुपया हो गया। जो 5 रुपए का था, वो 50 रुपया हो गया। दूध का रेट, पानी का रेट, सब महंगाई एकदम चरम पे है। ये अपने वादे से इनको याद नहीं आ रहा कि हमने जनता के बीच में क्या वादा किए हैं। तो आज हम आप लोगों के माध्यम से इनको याद दिलाने आए हैं कि वादा तेरा वादा तेरे वादे पे मारा गया, तो ये वादा जो तूने किया है इसको पूरा करो, भलाई इसी में है, नहीं तो हम लोग तैयारी कर रहे हैं 2022 में भाजपा गई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी प्रयोगशाला है, इनकी प्रयोगशाला नागपुर में है। नागपुर में वहाँ झूठ बोलने की ट्रेनिंग, जुमला बोलने की ट्रेनिंग नागपुर में सिखाई जाती है और उसी बात को देश के प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक बोल रहे हैं। 27 अक्टूबर पार्टी का स्थापना दिवस है, भारतीय जनता पार्टी के पाप का घड़ा अब भरने वाला है। 2-3 इंची और बाकी है, 27 अक्टूबर को इनके पाप का घड़ा फोड़ करके इनको ख़त्म करेंगे। उत्तर प्रदेश में 2022 में भागीदारी संकल्प मोर्चा की सरकार बनाएंगे। 27 अक्टूबर को घोषणा करेंगे ना, इनका घड़ा फोड़ेंगे, उसी दिन बिल्कुल बजा देंगे, तब आप लोग भी कहेंगे कि नहीं अब बन जाएगी। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका, पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।